चुनाव किसी भी राज्य में हो, सभी पार्टी का केंद्र होती है जनता। जनता के मुद्दे, उनकी मांग और भविष्य के वादों पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी में जनता के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया है, और वो मुद्दा है पायलट और सीएम गहलोत में एकजुटता दिखाना। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 6 सितंबर को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक रैली को संबोधित किया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को टोंक के निवई में एक रैली में हिस्सा लिया था। इसके बाद राहुल गांधी 24 सितंबर को एक रैली में जयपुर आए थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए हैं और इन सभी रैलियों में कांग्रेस की ओर से एकजुटता दिखाई देने की कोशिश की गई है। पार्टी में भी कार्यकर्ता में दो भाग हो चुके हैं। पार्टी के कुछ नेता अशोक गहलोत तो कई सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं। ये तो हम सभी देख चुके हैं कि बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी है। एक बार तो मामला अदालत तक पहुंच चुका था। अब कांग्रेस के पास इस राजस्थान में बड़ी चुनौती चुनाव से ज्यादा सीएम गहलोत और सचिन पायलट को एकजुट करना है। राजस्थान के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और AICC यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार यहां रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। इसका साफ उद्देश्य एकजुटता दिखाना है। प्रियंका गांधी ने निवई में रैली को संबोधित करते हुए सचिन पायलट के समर्थकों को साधने की कोशिश भी की थी। दरअसल अशोक गहलोत से मतभेदों के बाद सचिन पायलट को शुरुआत में नजरअंदाज भी किया गया। इस दौरान पायलट के बीजेपी में जाने की अटकलें खूब लगाई गई। केंद्रीय नेताओं के रुख से सचिन पायलट के समर्थकों में खासा गुस्सा आ गया था। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और साल 2018 के विधानसभा में गुर्जर चेहरा होने की वजह से कांग्रेस को काफी फायदा भी मिला था। प्रियंका की रैली के पहले किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को संबोधित किया था। पिछले दिनों सचिन पायलट भी प्रदेश भर में किसान रैलियां करते आ रहे हैं, लेकिन वो खड़गे की रैली में शामिल नहीं हो पाए थे। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि साल 2020 में हुई बगावत के दौरान कांग्रेस के प्रतिबंध सदस्यों ने सरकार को गिराने नहीं दिया। कुछ लोगों को खड़गे का ये बयान सचिन पायलट पर कटाक्ष लगा था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद जगजाहिर हैं। कांग्रेस पार्टी में ही रहते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा निकाली। साथ ही सचिन पायलट ने कुछ हफ्तों में उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को घेरने का खुला अल्टीमेटम भी दिया था। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने, पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिलाए जाने और RPSC को भंग किए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए 30 मई तक का समय भी दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को कांग्रेस आलाकमान चुनाव के दौरान मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। यही वजह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल के शुरुआती महीनों में हुई मैराथन बैठक में सचिन पायलट को अशोक गहलोत से चर्चा की। अब कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार टिकट वितरण में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने गहलोत सरकार को बचाया था। ऐसे में देखना ये होगा कि राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के बीच की आपसी खींचतान जो हर वोटर के दिमाग में बैठ गई है, उसे गहलोत और पायलट कैसे दूर कर पाते हैं। साथ ही पार्टी अपनी एकता कैसे साबित कर पाएगी। वहीं राजस्थान में कुछ विधायकों के प्रति जनता में भी आक्रोश है, जो प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को हवा दे सकती है। उन विधायकों को पार्टी टिकट देती है नहीं, ये बड़ा सवाल है। यदि कुछ विधायकों को पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो बागी भी बन सकते हैं। उस वक्त कांग्रेस की एकता की असली परीक्षा होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।